एवरीवन, जोहार, नमस्ते। तो आप सभी को स्वागत है मेरे चैनल में, गांव के गोरी टू में। एंड अभी मैं खेत में हूँ, दोपहर के 1 बज रहे हैं, नहाते धोते 1 बज गए हैं। तो अभी आए खेत में, खेत में कुछ काम है। देख सकते हो मेरे पीछे ये प्याज का गाछी है जो कि अब रोपने लायक हो चुका है, और इसी को भी इसी में काम करने आए हैं। और उधर आलू है, मिर्चा है, ये सारा हम ही लोग का है। चारों तरफ देखिए पूरा हरा भरा दिखेगा पीछे का पूरा, क्योंकि सारे खेत में अभी आलू सरसों लगा हुआ है और मटर। अभी हम अभी दोपहर का 1 बजने वाला बज ही चुका होगा, तो अभी अभी खेत पहुंच गए हैं। खेत में कुछ काम है, और इधर देखिए पूरा खेती हो रखा है, एक भी खेत पड़ती नज़र नहीं आएगा। ये है प्याज का गाछी जो कि अभी कुछ दिनों में पूरा इसको रोपना है। इधर सरसों पूरा हरा भरा दिखेगा चारों तरफ खेत। ये भी सारा प्याज का गाछी 2-3 दिन में पूरा रोपने लायक हो चुका है। ये है मिर्च का पौधा, किधर गिर मिर्च नहीं दिख रहा। अब हम अपना खेत पहुंच गए हैं, हमको भी प्याज का गाछी निकालना है। और मेरा जो प्याज का गाछी है वो ये वाला है। इधर सारा निकाल चुके हैं, घास को चुन लिए हैं। अब 2-3 क्यारी बचा हुआ है इधर, इसमें जो कि अब इसमें लगना है, सफाई करना है। देखिए अंदर छोटे छोटे बहुत सारा घास है और इसमें नहीं है, तो इसी को भी क्लीन करना है। और चारों तरफ का बीज आपको दिखा देती हूँ। Hey guys, तो दोस्तों ये है लहसुन जो कि कुछ दिन पहले ही आप लोगों को दिखाए थे, वो बहुत तब छोटा छोटा था। और ये है आलू, इतना बड़ा बड़ा हो गया इसका पौधा, और कितना अच्छा भी है। ये है हमारा खेत आलू का। तो गैस ये है हमारा खेत हरा भरा, और आज पूरा सुनसान लग रहा है क्योंकि इधर कोई नहीं है। सारे लोग गए हैं धान काटने, इधर का सारा काम कंप्लीट करके। दूर दूर तक कोई नहीं है, हमको डर भी लग रहा है, इधर कोई भी नजर नहीं आ रहा है, पूरा सुनसान लग रहा है। और इधर है हमारा मिर्च। ये है लहसुन, कुछ दिन पहले आप लोग दिखाए थे छोटा छोटा था, और आलू भी छोटा छोटा था, अभी काफी बड़ा बड़ा पौधा हो गया है। सो आप लोग देख सकते हैं। चलिए कुछ और दिखाते हैं और क्या क्या हमारे खेत में लगा हुआ है। ये है प्याज का गाछी जो कि 1-1.5 सप्ताह के अंदर रोपा जाएगा इसको, और इसी में भी हमको काम करना है, इसमें घास निकालना है क्योंकि काफी सारा घास हो गया। अगर घास रहेगा तो ये गाछी जो पौधा वो अच्छे से उभर कर नहीं आएगा, इसीलिए इसको क्लीन करना बहुत जरूरी है। और एक चीज मैं आप लोगों को भी दिखाती हूँ, ये है मटर का पौधा
जो कि पूरे खेत में लगा हुआ है, फलेगा तब भी दिखाएंगे। तो गाइस देख सकते हैं प्याज के गाछी में कितना छोटा छोटा घास है, इसी को भी क्लीन करना है, तभी प्याज अच्छे से उभर के आएगा और दिखेगा और अच्छा मजबूत भी रहेगा। तो इसी को भी साफ सफाई करना है, और 2-3 दिन से अभी यही कर रहे हैं, इसको कर लेंगे तब और काम देखेंगे। सो थैंक यू सो मच मेरे वीडियो को देखने के लिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक यू सो